से हानले के लिए निकल रहे हैं अभी। रात में बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर था, इट वॉज इन माइनस, और वी विल बी गोइंग अप फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट गोइंग डाउन टूवर्ड्स हानले। ये है हमारा पैंगोंग लेक जो सुबह में ऐसा दिख रहा है। वो जो दूर में स्कूटर्स लगे दिख रहे हैं वहीं पे एक्चुअली शूटिंग हुआ था थ्री इडियट्स का, और अभी वो स्कूटर्स रेंट पे मिलते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। दैट इज़ द प्लेस। हम लोग तो उधर फ़ोटो नहीं खिंचाए, साइड में जाके खिंचा लिए। और सुनने में तो ये भी आया है कि यहाँ पे करीना का वो ब्राइडल ड्रेस भी मिलता है भाड़े पे, और वो थ्री इडियट्स वाला जो तीन चेयर है वो भी है वहाँ पर। लोग सब रुके हैं बहुत देर से, हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, लगभग एक घंटे से ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा रुकना तो बनता है। लेट्स एडमायर द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। Forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. I love it.
much there. Her talentless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. I just get back, get again, yes. Oh my God. This is like, गिर गया ठीक है ना, ठीक है ना, अरे बहुत उधर गिरना तो था ही। अरे बात कर रहे थे, पैदल जा रहे थे ना। एक छोटा सा स्टॉप हमारा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेत है और उसकी वजह से अद्वित की बाइक गिर गई, फंस गई थी दिन में, तो एक साइड से गिर गई। और ये क्या लोकेशन है, तो नाउ वी आर लॉस्ट, कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा। और अभी इन द मिडिल ऑफ नोवेयर वी हैव स्टॉप, रास्ता खोजना पड़ेगा। से आ रहे थे, उसके बाद अचानक से वो रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये कुछ बैरिकेड लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ जाना है। और एकदम नेटवर्क नहीं, नो नेटवर्क एरिया, नथिंग एट ऑल। मैप में तो देख ही नहीं सकते, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा, किससे पूछा जाए। देखते हैं, एक रास्ता दिखा है ये वाला, लेट्स सी ये हम लोग को बाहर लेके जा पाता है या नहीं। किधर से जाना है कुछ तो पता चल नहीं रहा, बट जो रास्ता दिख रहा है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा अभी। और अभी रास्ता क्या, रास्ता तो है नहीं। ओह गॉड, अद्वित की गाड़ी लगता है फिर से अटक गई है। ये रास्ता सही लग रहा है, शायद यही रास्ता है। चलो इस टाइप का वो रास्ता है पहाड़ को क्रॉस करने के लिए, उधर से ही जाना है। माय गॉड, इतने 2-3 घंटे से हम लोग ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं। मामा की बाइक गिर गई है,
पता नहीं मामा को खुश लगा। नहीं जाऊं ठीक है। ओ ओ ओ चले क्या ठीक है ना। नकल काट गया नकल काट गया क्या? हाँ नकल काट तो जाना ही है भाई, बहुत बहुत ये खत्म नकल काट है साला, ये एकदम पतला सा तुरंत टूट जाता है। नकल काट टूटना ही चाहिए। ठीक है टूटना चाहिए लेकिन कितना पतला है देख रहा है, एक बार में टूट जाता है। अगर नकल काट टूटा नहीं और बेंड हुआ ना तेरा हाथ चले जाएंगे, इसलिए वो टूटते हैं। ठीक है ना। हाँ हैंडल बच गया उसका। अच्छा हर्ष भी यहाँ मेरे साथ रुका हुआ है। ठीक है ऑफ रोड है, स्लिप होना तो बनता ही। चलो मामा मामा इज ऑल ओके, बाइक को थोड़ा सा डैमेज हुआ है, नकल गार्ड टूटा है उसका, बाकी सब ठीक है। फाइनली वी आर आउट ऑफ द ऑफ रोडिंग पैच। इट वॉज लाइक 3 hours ऑफ ऑफ रोडिंग एंड नाउ वी आर ऑन रोड, जस्ट टच द रोड। क्या हुआ क्या हुआ? उसकी बोर्ड फट गई। अच्छा फ्रॉम देयर वी केम वैली क्रॉस करके अभी अधेड़ वो बोर्ड पढ़ने गया था कि क्या लिखा हुआ है उसमें, और पता चला है कि रास्ता ये वाला नहीं है। Still offroading is left to do. Okay. Road under construction. Way to? चुसूल। अच्छा हमें चुसूल ही जाना है ना, इधर ही जाना होगा। इतना अच्छा रास्ता बनाया उधर नहीं जाना। अभी हमारे बैकअप व्हीकल के ड्राइवर भैया ने बताया कि ये रास्ता चुसूल गांव को जाता है और हमें गांव नहीं जाना है। ये गांव जाता है ना? अच्छा यही है, तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग साइड से निकल जाएंगे। हाँ तो हम लोग अभी फॉर्चुनेटली इसी रास्ता से जाने वाले। अगेन रोड इज क्लोज, फिर से हमने रास्ता ले लिया साइड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नेटवर्क नहीं है, मैप नहीं है, तो और लोग भी बहुत कम है इधर, उनसे पूछा जा सकता है। ड्राइवर से कंफर्म करना पड़ेगा जो हमारा बैकअप लेकर का ड्राइवर है। लीडर इज गोइंग टू द सेम, हमें बुला रहे हैं। अगर कोई दिखा है उससे हम लोग रास्ता पूछ रहे हैं। इस सेट पे यहाँ पे बोर्ड लगा कि लास्ट रेस्टोरेंट है, तो शायद इसके आगे रास्ता है ही नहीं, फिर से पीछे जाना पड़ेगा।
we have stopped here for a while. चारों तरफ रेगिस्तान पहाड़, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता और हमारे हाथों के तो बैंड बज चुके हैं ऑफ रोडिंग करते करते। अभी थोड़ा सा अच्छा रास्ता है, एक्चुअली ये अच्छा रास्ता है जो हम लोग अभी करके आ रहे हैं, उससे तो अच्छा ही है। और पता नहीं कितना दूर तक सही है, कोई नहीं दिख रहा था कहीं पे भी। सही रास्ता जा रहे हैं, बस इतना पता है और चले जा रहे हैं लद्दाख। यहाँ से होपफुली और 20 किलोमीटर का रास्ता ऐसा ही है, से पीछे रहना बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए थोड़ा गैप बना के चलना पड़ रहा है। अच्छा खासा एक विजिबिलिटी होना चाहिए। चेकिंग फॉर द रूट अगेन, यहाँ पे आकर समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाना है। तो वो ऊपर साइड कोई मिलिट्री बेस कैंप है, ओके पीसीपी है, ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस का ऑफिस। तो हमें जाना किधर है वो देखना होगा। ओके बैकअप व्हीकल के ड्राइवर भाई साहब ने बोला सीधे चलो, तो सीधे चलते हैं। अभी ज़्यादा ऑफरोडिंग नहीं मिलना चाहिए। सो वी हैड अ नाइस स्टॉप हियर, लगभग एक डेढ़ घंटा रुके हम लोग, लंच किया। राहुल को थोड़ा फीवर लग रहा है तो उनको दवा दे करके थोड़ा रेस्ट करने का मौका दिया गया, अभी उनको आगे रखा गया है, हिमालयन पे है वो। यहाँ से 90 किलोमीटर है अपना हानले जहाँ रुकने वाले, तो और रास्ता कुछ ऐसा ही होने वाला। तो वी होप कि हम 2 घंटे में पहुँच जाएँ, और फूटी गेंट तो नहीं है। चलो ये एक छोटा सा चेक पोस्ट है जहाँ पे हमारी पासिंग चेक होगी और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाइस लिटिल चेक पोस्ट, एक सिपाही है बस। फिर से गिर गया है बाइक से, या सिर्फ बाइक गिरी है। लेट्स गो एंड सी। ये रास्ता ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर नहीं चलाएं आराम से तो गिरना नहीं।
कौन गिरा? फिर से राइट साइड गिरा, राइट साइड। चेक पोस्ट आया, इट इज ITBP चेक पोस्ट, मीन्स इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस चेक पोस्ट। और इधर तो जो माउंटेन्स है पूरा रेत दिख रहा है माउंटेन के चारों तरफ, बट लुक एट द कॉन्ट्रास्ट। लगा कि यहाँ पे GD ऑफिसर्स भी पोस्टेड हैं। ठीक है? अरे पता था गिर रहे, हम आराम से इसके लिए गिरे। सैली तू ठीक है? वो कूद गई थी। स्टैंड लगा, स्टैंड लगा, स्टैंड स्टैंड लगा। चलो चलो कोई बात नहीं, ये होते रहता होते रहता। अपने लीडर भाई साहब भी गिरे। ओल ओके, चलिए चलिए सब ठीक है। हानले पहुंच गए गिरते संभलते किसी भी तरह। मामा तो रिकॉर्ड बनाया आज, क्या मामा? 3 बॉल्स ऑन सैंड। और भी मामा का वहां एक लड़का है, वो भी गिरा है। वो भी गिरा तो बहुत जोर से गिरा है। ये हमारा होम स्टे है, हानले एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है ना, कहाँ है ऑब्जर्वेटरी? शायद उधर पहाड़ के ऊपर है, शायद उधर, पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं, वो शायद ऑब्जर्वेटरी। और ये अपने अद्वैत भाई राम है। मामा गिरा हुआ, मामा गाड़ी का हालत दिख रहा है, 3 बार गिरा हुआ मामा। मामा का गाड़ी जो कि बेंड हो गया, ये मेरा नकल गार्ड है, टिका गया, देख रहा है नकल गार्ड गया। ये इसका थोड़ा टेढ़ा हुआ, क्रैश गार्ड का टेढ़ा हुआ, एक लाइट भी गया, तो भी मेरे लिंक में आ गए।